आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। हर तरफ जमीन पर गिर रही बारिश की बूंदों की तेज आवाज थी। रोनित, तान्या, क्षितिज और प्रिया चारों दोस्त हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड में भी अपने एडवेंचर पर निकल पड़े थे। उनका मुंबई से लोनावाला का सफर बस कुछ ही देर में तय होने वाला था। रोड के दोनों तरफ घना जंगल था। रोनित जल्दी से जंगल के एरिया को क्रॉस करने के लिए तेज़ रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ा रहा था कि जंगल खत्म होने से थोड़ी दूर पहले ही अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी रोनित? अभी तक तो हमने जंगल भी क्रॉस नहीं किया। मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, अपने आप ही बंद पड़ गई है। तुम सब रुको, मैं देख कर आता हूँ क्या प्रॉब्लम है। रोनित गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा तो उसने देखा कि गाड़ी की इंजन की वायर पूरी तरह से जल चुकी है। उसने ये बात अपने सभी दोस्तों को बताई। अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, अब आधी रात को तो कोई मैकेनिक भी यहाँ नहीं मिलने वाला। गाइस, मुझे तो कार में बैठे बैठे बहुत घुटन हो रही है, प्लीज चलो ना थोड़ी देर बाहर चलते हैं। चलो ठीक है, वैसे भी जंगल का एरिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो कोई खतरा भी नहीं है। तान्या के कहने पर अब सभी अपने हाथों में छतरी लिए कार से निकले और भारी बारिश में हुए आगे बढ़ने लगे। इस गाड़ी को भी आज ही खराब होना था, मुझे तो यहाँ आसपास कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा हम पूरी रात आखिर बिताएंगे कहाँ। मुझे पता है आज की रात हम कहाँ बिताएंगे। क्या मतलब? अरे वो देखो सामने वो विला, जरूर वहाँ कोई होगा। अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद वो एक रात के लिए हमें अपना विला रुकने के लिए दे दे। इतना कहकर वो सभी उस विला की ओर बढ़े और विला के पास जाकर उन्होंने विला की डोरबेल को बजाया। हेलो, कोई अंदर है? रोहित के इतना कहते ही अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई थी। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है जो इतनी रात पर यहाँ आए हो। अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम चारों का भी वही हाल होगा जो उन सबका हुआ था। किनका हाल? क्या हुआ था यहाँ? तुम्हें जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे। अरे यार, हर पुरानी हवेली के पास इस जैसा एक बुड्ढा फिक्स होता है, तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। क्षितिज के इतना कहते ही अचानक अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दरवाजे को खोलती है। फाइनली आपने दरवाजा खोला, थैंक यू सो मच। लगता है आपकी गाड़ी भी खराब हो गई है और आप मदद के लिए मेरे पास आए हैं। आपको कैसे पता? कुछ नहीं, बस अक्सर ही यहाँ लोगों की गाड़ियाँ अचानक खराब हो जाती हैं और वो मदद के लिए मेरे पास आ जाते हैं। आइए आप सभी अंदर आ जाइए। वो चारों अंदर जाने ही वाले थे कि तभी उस लड़की की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी और वो बड़े ही भयानक तरीके से उस बूढ़े आदमी को घूर रही थी। आप फिर यहाँ आ गए, मैंने कितनी बार कहा है कि आप देर रात को यहाँ मत घूमा कीजिए और अपने घर पर रहा कीजिए। उस लड़की की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और वो चारों उस लड़की के साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। तभी उस लड़की ने कहा, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा है, लड़कियों को शायद ग्राउंड फ्लोर पर सोने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप दोनों ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में सो जाइए और आप दोनों मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पर चलिए, मैं आप दोनों को आपका रूम दिखा देती हूँ। इतना कहकर वो तानिया और प्रिया को फर्स्ट फ्लोर का रूम दिखाकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद तानिया तो गहरी नींद में सो गई लेकिन प्रिया को वहाँ कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उसे वहाँ ठीक से नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ मानो कोई बहुत दबी सी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। प्रिया, उठो, मेरे पास आओ। उस दबी सी आवाज को सुनकर प्रिया घबराकर अचानक अपने बिस्तर से उठ गई। डर के मारे उसका गला सूख चुका था। उसने बिस्तर के साइड पर रखी टेबल पर पानी पीने के लिए जैसे ही गिलास उठाया तो वो खाली था, इसलिए वो पानी लेने के लिए बाहर की तरफ जाने लगी। वो अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को जोर से खींचा और वो मुंह के बल बुरी तरह से ज़मीन पर गिर पड़ी और वो अदृश्य शक्ति उसे बुरी तरह घसीट कर अपने साथ ले गई। प्रिया बहुत बुरी तरह चीखने लगी कि तभी प्रिया की चीखने की आवाज़ तान्या के कानों में पड़ी और वो अचानक से हड़बड़ा कर उठ गई।
उसने उठकर कमरे में हर जगह प्रिया को ढूंढा, लेकिन प्रिया उसे कहीं नहीं मिली। प्रिया, प्रिया, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम कोई प्रैंक कर रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो। तान्या के इतने कहते ही उसे रूम के वॉशरूम से प्रिया की आवाज सुनाई दी। तान्या, तान्या प्लीज मेरी मदद करो, ये मुझे मार डालेगी मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। ये तो प्रिया की आवाज है, लेकिन मैंने जब अभी वॉशरूम में चेक किया तो प्रिया तो वहाँ थी ही नहीं, तो फिर ये वॉशरूम में किसकी आवाज आ रही है? तान्या, प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। ये मेरा कोई वहम नहीं है, लगता है प्रिया सच में वॉशरूम में ही है। उस आवाज को सुनकर तान्या वॉशरूम की ओर बढ़ने लगी। उसने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने प्रिया अपने सर को अपने पैरों में दबाए हुए रो रही थी। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? इतना कहकर तान्या ने प्रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा तो प्रिया ने अचानक अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा बुरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों का रंग भयानक लाल, किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उसे इस तरह देखकर तान्या बहुत बुरी तरह घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। तभी प्रिया ने उसके पैरों को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया और तान्या बुरी तरह अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से जमीन पर गिर पड़ी। तुम ये क्या कर रही हो प्रिया? ये तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज जाने दो मुझे। प्रिया के सामने हाथ जोड़कर तान्या उसे खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी कि तभी प्रिया ने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन को बुरी तरह मरोड़ दिया और अपनी गर्दन को अपने शरीर से अलग कर दिया और अपनी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ी हुई वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। तान्या का अब डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। तभी अपने हाथों में अपनी गर्दन पकड़ी हुई प्रिया तान्या की तरफ बढ़ने लगी। तभी तान्या ने खुद को बचाने के लिए प्रिया को एक जोरदार धक्का मारा और वो जाकर सीधी वॉशरूम की दीवार से टकरा गई और उसके हाथों से उसका सर छूटकर वॉशरूम के फ्लोर पर गिर पड़ा और वॉशरूम का फ्लोर और सभी दीवारें प्रिया के खून के छींटों से भर गई। तभी मौका पाकर तान्या वहां से भागकर नीचे सो रहे अपने दोस्तों रोनित और क्षितिज के पास गई। रोनित, क्षितिज, जल्दी, प्लीज जल्दी उठो। इतना कहकर उसने रोनित और क्षितिज को जगाने के लिए उनके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे मारे जिससे उन दोनों की आंख खुल गई। अरे कौन है यार, इतनी रात को भी अच्छे से सोने नहीं देते। प्लीज तुम दोनों मेरे साथ चलो, वहाँ ऊपर वॉशरूम में प्रिया ने अपने आप को मार डाला। क्या ये क्या कह रही है तुम? तुम अपने होश में तो हो? पक्का तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम प्लीज मेरे साथ चलो, वहाँ वॉशरूम में प्रिया की डेड बॉडी है। पूरा वॉशरूम प्रिया के खून से पूरी तरह से सज चुका है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तान्या की बात सुनकर क्षितिज और रोनित उसके साथ ऊपर वाले रूम में गए, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। यहां तक कि वॉशरूम के फ्लोर पर और दीवारों पर खून के छींटों का एक निशान भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी मेरी आंखों के सामने प्रिया ने खुद को मार डाला था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। इतना कहकर तान्या जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर रोनित और क्षितिज भी कुछ गंभीर से हो गए। अच्छा ठीक है तान्या, तुम रोना बंद करो, लेकिन तुम ही बताओ कि प्रिया अगर यहाँ थी तो अचानक से वो कहाँ चली गई और वो सारे खून के छींटे कहाँ चले गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है इस विला के बाहर हमें जो आदमी मिला था वो बिल्कुल सही कह रहा था। इस विला में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले दिखा वो कोई छलावा हो। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द प्रिया को ढूंढना होगा। क्षितिज, भाई तान्या सही कह रही है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना प्रिया अचानक कहाँ गायब हो सकती है? इतना कहकर वो तीनों कमरे से बाहर निकले कि तभी उन्हें बड़ी ही दबी सी आवाज में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? ये आवाज उस तरफ से आ रही है, शायद प्रिया वही हो। इतना कहकर वो तीनों आगे बढ़ने लगे कि तभी उन्हें लगा मानो जैसे कोई काली परछाई अभी उनके पीछे से गुजरी हो। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने तान्या को एक जोरदार धक्का मारा। वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि तभी क्षितिज ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया। पहले तो मुझे शक था, पर अब पूरा यकीन हो गया है कि यहाँ जरूर कुछ अजीब है, हमें सावधान रहना होगा। इतना कहकर वो तीनों फिर से उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। जमीन पर मोमबत्तियों से शैतान की एक आकृति बनी हुई थी और विला में रहने वाली उस लड़की के हाथों में प्रिया का कटा हुआ सर था जिससे खून बहकर जमीन पर गिर रहा था। ये तुमने क्या किया? प्रिया को मार दिया तुमने? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर रोनित उस लड़की की ओर बढ़ा
और उसने जैसे ही उस लड़की के गले को पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ उसके शरीर से आर पार हो गया। और तभी वो लड़की रोनित की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। तुम मुझे मार नहीं सकते, देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम मुझे इस लड़की को दे दो। आज अमावस्या की रात है और आज की रात मेरे लिए इसकी बलि देना बहुत जरूरी है, वरना मेरा शरीर फिर से जिंदा कैसे हो पाएगा। सालों से इंतजार कर रही हूँ मैं इस दिन का, ये लड़की मेरा 100वां शिकार होगी। इसकी बलि देते ही मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। आओ मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर वो तीनों बहुत बुरी तरह घबरा गए कि तभी अचानक रोहित और क्षितिज हवा में उड़ने लगे और तान्या खुद ब खुद घसीटती हुई उस लड़की के पास जा पहुंची। उस लड़की ने तान्या की गर्दन पर एक छुरी को रखा और वो तीनों डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगे। डर के मारे तान्या बेहोश हो गई कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और वही बूढ़ा आदमी एक तांत्रिक बाबा के साथ वहां आ पहुंचा। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर उस लड़की की आत्मा बुरी तरह घबरा गई और उसके हाथों से वो चाकू छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरा। तभी तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस आत्मा पर एक भस्म को छिड़क दिया और वो बुरी तरह दर्द से बिलखने लगी। इस आत्मा को नष्ट करने के लिए हमें इसके शरीर को हमेशा हमेशा के लिए संसार से नष्ट करना होगा। इसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए ये आत्मा सालों से इसी घर में भटक रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसके शरीर को ढूंढना होगा और उसे अग्नि में भस्म करना होगा, वरना ये आज इस लड़की की जान भी ले लेगी, क्योंकि शरीर के आसपास रहकर ही इस क्रिया को किया जाता है, जिससे मरी हुई लड़कियों की आत्माओं की शक्ति को ये अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा सके। हमें इस कमरे को छान मारना होगा। तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार सभी वहां उस लड़की के शरीर को ढूंढने लगे। तभी रोनित की नज़र अलमारी के पीछे रखे एक बक्से पर पड़ी। उसने जैसे ही उस बक्से को खोल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बक्से के अंदर एक लड़की का सड़ा गला शरीर था जिसकी मौत न जाने कितने सालों पहले ही हो गई हो। तांत्रिक बाबा ये देखिए उस लड़की का शरीर। रोनित की बात सुनकर उस शरीर को नष्ट करने के लिए तांत्रिक बाबा जैसे ही आगे बढ़े तभी उस लड़की की आत्मा तांत्रिक बाबा पर झपट पड़ी और उन पर हावी हो गई। तभी रोनित ने हिम्मत करते हुए अपने लाइटर को चलाकर उस बक्से के अंदर फेंक दिया और उस लड़की का शरीर बुरी तरह जलने लगा। शरीर के जलते ही उस लड़की की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और देखते ही देखते सबकी नज़रों के सामने उस आत्मा के चीथड़े उड़ गए। उस रात किसी तरह उन तीनों की जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्त प्रिया को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मौत हमेशा दबे पाँव आती है, लेकिन जो किस्मत वाले होते हैं मौत उन्हें बचने का एक मौका भी देती है, बेशर्ते आप उस मौके को कैश करना जानते हो। वैभव और अनिता को भी यह मौका मिला था जब वो आधी रात में प्यार और मस्ती के दो पल ढूंढने के लिए दबे पांव अपने घर से बाहर निकले थे। वैभव, जाने क्यों मुझे आज ऐसे बाहर जाते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, आज क्या हुआ? पता नहीं, मगर आज तक मुझे ऐसा भी तो नहीं लगा जैसा ऐसा आज लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, गाड़ी में बैठो। वैभव, वैभव बिल्ली ने भी रास्ता काट दिया है। सो व्हाट, तुम समझ नहीं रहे हो वैभव। एक तो मेरा मन बाहर जाने को नहीं मान रहा, ऊपर से काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है। ये अच्छे संकेत नहीं है, मेरी मानो वापस अंदर चलते हैं। 2 महीने बाद हमें बाहर जाने का ये मौका मिला है अनीता, और तुम इसे वेस्ट करना चाहती हो। प्लीज सेठ, मेरा मूड स्पॉइल मत करो। वैभव, कार भी पंक्चर है। ओह गॉड, अब तुम प्लीज फिर से अंदर जाने के लिए मत कहना। हम घूमने जाएंगे तो जाएंगे, मैं टायर बदलता हूँ। वैभव और अनीता के सामने एक के बाद एक कई चीजें हो रही थी जो उन्हें घर से बाहर जाने से रोक रही थी, मगर वैभव की जिद के आगे हर चीज को झुकना पड़ा। झुकना पड़ा अनिता के सिक्स सेंस को, झुकना पड़ा काली बिल्ली के रास्ते काटने को, और झुकना पड़ा कार के पंचर टायर को, क्योंकि मौत की होनी जीत रही थी। वैभव, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। होने दो, उसे बचाने का ठेका नहीं ले रखा है हमने। कितने इनसेंसिटिव हो गए हो तुम वैभव, गाड़ी रोको। यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आगे कितना अंधेरा है। कहीं मैं वैभव के अगेंस्ट जाकर कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले रही। कुछ मिला?
हम आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करने घर से निकले हैं अन्नू, वही करते हैं। मैं कमरा बुक करके आता हूँ। क्या हुआ, कमरा मिला? आज किस्मत ही खराब है, कोई भी कमरा खाली नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा घूम ही लेते हैं। वैभव, उस लड़की की चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्नो, तुमने गाड़ी से उतर कर देखा था ना पीछे, कुछ मिला तुम्हें? मान लिया कोई एक्सीडेंट हुआ भी होगा, तो मरने दो ना यार जो मर रहा है, हमें क्या लेना देना। मुझे प्यास लगी है, बॉटल पीछे रखी है, दे दो प्लीज। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं उन्हीं हजारों विक्टिम में से एक हूँ जो सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं, जिनकी समय पर कोई मदद नहीं करता। लोग हम जैसों की फिक्र नहीं करते, और अब चुड़ैल बनने के बाद मैं ऐसे लोगों की फिक्र नहीं करती। सबको मार डालती हूँ, तुम्हारी वाइफ को भी मार दिया। क्यों मारा, वो तो तुम्हारे लिए रुकी थी वहाँ। रुकना अलग बात है, पूरे मन से मदद के लिए आखिरी छोर तक पहुँचना अलग बात है। तुम्हारी बीवी अगर चार कदम और आगे आ जाती तो मैं तुम्हें मारने नहीं इतने कदम चल कर आती। ये क्या कर रही हो तुम, रोको इस कार को, रोको। घर से जब चले थे मौत तुम्हें रोक रही थी, तुम ही नहीं रुके, अब ये कार भी नहीं रुकेगी। तुम्हारी गिनती भी मेरी मौत के जैसे सड़क हादसे का भेद चढ़ेगी। जिंदगी में कभी भी इतना स्वार्थी नहीं होना कि आपकी खुशी के आगे इंसानी जिंदगी के कोई मायने ना रहे, और इतना जिद्दी भी नहीं होना कि कोई काम ना करने के एक नहीं दो नहीं तीन संकेत मिलने के बाद भी वही काम करना जो मन में है, वरना मौत का क्या है। वो लापरवाह लोगों को झपटने के लिए उनके साथ ही चलती है। कहते हैं आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस धरती पर लोगों ने भगवान के रूप में डॉक्टर्स को जरूर देखा है। डॉक्टर्स ही है जो अपने सुख चैन को छोड़कर दिन रात लोगों को नई जिंदगी देने का काम करते हैं। यार सुरेश, पूरे शहर में हर तरफ हमारा ही नाम है, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रमेश एंड डॉक्टर सुरेश हॉस्पिटल और क्लिनिक ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई देंगे, आखिर हम भगवान जो ठहरे। तुम गेट खोलने के बजाय उस पर ताला क्यों लगा रहे हो? गेट खोलकर क्या करूं सर, हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई मरीज। जब से शहर के बाहर डॉक्टर चांदनी अपना हॉस्पिटल चलाने लगी है तब से सारे मरीज वहीं जा रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में जो भी बचे खुचे मरीज थे वो भी वहीं चले गए हैं सर। ये चाबी। डॉक्टर चांदनी, अगर तुम अपना ये छोटा सा हॉस्पिटल बंद करके हमारे बड़े से हॉस्पिटल में काम करोगी तो हम तुम्हें मुंह मांगी सैलरी देंगे, और रहने के लिए एक बड़ा सा बंगला, बड़ी गाड़ी, और वो सब भी मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे लोगों के दुख दर्द मजबूरी का फायदा उठाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं अपने इस छोटे से हॉस्पिटल में खुश हूँ। हम प्यार से कह रहे हैं चांदनी, हमारी बात मान लो। आप जा सकते हैं, दरवाजा आपके पीछे ही है। ये आप लोग सही नहीं कर रहे, मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूँ मैं। पुलिस में पहुँचोगी तभी तो कंप्लेन दर्ज कर पाओगी। मतलब ये कि हम तुम्हारा राम नाम सत्य करने जा रहे हैं। जिन्हें दौलत की खनक के आगे भगवान समान डॉक्टर सुरेश और रमेश ने इंसानियत पसंद डॉक्टर चांदनी को मार कर दीवार में चुन दिया। लेकिन जब इंसान की मौत आती है ना तो वो हजारों किलोमीटर दूर से भी आकर अपनी मौत से मिल ही लेता है। समय बीतता जा रहा था, सुरेश और रमेश दौलत कमाते जा रहे थे, लेकिन तभी एक और लालच ने उन्हें दबोच लिया। उन्होंने अपने दांव पे चलाकर
चांदनी के बंद पड़े हॉस्पिटल को खरीद लिया। उन लालची लोगों को सपने में भी इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने चांदनी का हॉस्पिटल नहीं अपनी मौत को खरीदा है। गए तुम लोग, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कौन कौन है? सामने आओ। दरवाजा खोलो सलीम, दरवाजा खोल, हमें बचाओ, दरवाजा खोलो। मत मारो हमें, माफ कर दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। शैतान के दिल में भी डर है। जिस पैसे के लिए तुमने हर बुरा काम किया, उसी पैसे से कहना कि वो तुम्हें जिंदा कर दे। माफ कर दो चांदनी, माफ कर दो, मत मारो हमें, मत मारो हमें, गलती हो गई हमसे, नहीं चांदनी, मत मारो, मत मारो, मत मारो हमें, मत मारो हमें। मौत माफी नहीं देती। तुमने मुझे मारा था, मैं तुम्हें मार रही हूँ और वैसे ही मार रही हूँ जैसे तुमने मुझे मारा था, सर धर से अलग करके हिसाब बराबर। जीवन कर्म का चक्र है जो गोल गोल घूमता है। बुरे कर्म का भुगतान इसी जन्म में होता है, यही स्वर्ग यही नरक है, तो संभल जाओ बुरे कर्म करने वालों, वरना सर धर से अलग होना तय है तुम्हारा। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए।